हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा गला बना के दिखाने वाली हूँ जो हम किसी भी प्लेन सूट पर और किसी भी कुर्ती पर लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको पाइपिंग के साथ साथ पोटली बटन भी बनाना बताऊँगी और इस पर इसको लगाना दिखाऊँगी। ये हमने पेपर पेस्टिंग पर गला काट लिया है। ये ऊपर से बंद इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये खुला हुआ है ताकि ये ज़्यादा फैले ना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस पर हम दो कट लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में बता दिया करें ताकि कोई कमी हो तो हम उसको पूरा करें। ये हमने इसको फोल्ड कर लिया है, इस पर सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। यहाँ से भी इसे कट करेंगे। इसको मिलाकर एक सेंटर में कट लगा लेंगे। ये हमारे सूट का कपड़ा है, इस पर हमने ये गले को लगाना है। इसको हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर कट से कट मिलाकर इसे रख लेंगे। अब करीज से करीज मिलाकर सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा गला सीधा लगेगा और सेंटर आउट नहीं होगा। हमने इस पर सीधी सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम कपड़े को सीधा करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, इसके पास पास लगानी है। इस प्रकार ये हमारी सिलाई बिल्कुल पास से चलेगी, ना तो बुकरम से दूर और ना ही बुकरम के ऊपर। यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल कोने में इसको सीधा करके तीन कदम चल के और फिर सीधा चलेंगे।
ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम कपड़े को कट करेंगे। यहाँ से इसे भी बिल्कुल सेंटर से इस प्रकार यहाँ कोने में कट लगाएंगे दोनों तरफ। तो इस कच्ची सिलाई को हटा देंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे दोनों तरफ। यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद हम अपने गले को दूसरी तरफ पलट लेंगे और ये कोने हैं जो इनको बाहर निकाल लेंगे। कपड़े को सीधा करके इस पर पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारी पाइपिंग है, ये बाजार से आराम से मिल जाती है और हम इसको घर पर बना भी सकते हैं। इसके लिए हम सिंगल फुट लगाएंगे। इनको अंदर की तरफ करके पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से उंगली से दबा लेंगे पाइपिंग को ताकि फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लग सके। कपड़े को हाथ से सीधा करते हुए पाइपिंग को अच्छी तरह से दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमारी पाइपिंग लग चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पर बटन लगाने हैं, तीन तीन बटन लगाएंगे यहाँ पे। इसे हम या तो हाथ से नापेंगे या इसके बाद एंची टेप से माप लेंगे। ये हमारा 6 इंच का है गैप, इसे हम एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम बटन बनाएंगे जिसे हम पोटली बटन बोलते हैं। ये हम फोम के बना सकते हैं लेकिन हम कपड़े से ही बनाएंगे। अब इस कपड़े को हम इस कपड़े में दबाकर देखिए यहाँ पर हम इसे धागे से बांध लेंगे। इस प्रकार धागा लपेटेंगे
और इसे काट देंगे। ये हमारा बटन बन गया है। इस बटन की एक खासियत है, ये धुलने के बाद पिचकता नहीं है और प्रेस से चिपकता नहीं है। ये हमने बटन बना लिए हैं, तीन तीन बटन मिला के कपड़े पर लगाने हैं। इस प्रकार मिला के इसे यहाँ पर लगाएंगे। निशान के बिल्कुल सेंटर में हमारा बीच का बटन होगा। बराबर कर लेंगे इनको। फिर अगले बटन लगाएंगे, इन तीनों को मिलाकर फिर निशान के सेंटर में बीच का बटन लगाएंगे। सील लेंगे। तीन बटन हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने अपने सारे बटन जमा लिए हैं। एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। ये हमारे तीनों हमने एक पट्टी लेनी है करीबन 2 इंच की। इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और इसको पलट लेंगे। अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। मार्जिन को अंदर की तरफ रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। पट्टी रेडी कर ली है। ये बंद मुंह हम ऊपर की साइड रखेंगे। इसे इस तरफ सिलेंगे। इस पर हम 2 सिलाई लगाएंगे।
अब इस पट्टी पर बटन वाले पल्ले को अटैच करेंगे। पाइपिंग से मिलाकर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने पट्टी अटैच कर ली है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। बटन वाले कपड़े को भी कट कर देंगे। ये हमने सारा एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया है। अब हम पाइपिंग में छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। अब इस पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। इसको हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसको पूरा कर लेंगे। ये हमने इसको पूरा कर लिया है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।